गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज दूसरे मरहले में दाखिल। एहतजाजी कैंप शहर में रैली के बाद आज शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की ट्रांसपोर्टर्स को मनाने की कोशिशें भी नाकाम। डिफेंस रोड पर पीरू फोर्स की गाड़ी की ट्रक को टक्कर। पीरू फोर्स की गाड़ी का सामने का हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की गाड़ी ने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी और ड्राइवर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाकर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाना फैक्ट्री एरिया में बंद कर दिया। रंग महल बाजार में ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात। गाहक बनकर आने वाली दो खातीन चोर 6 तोले के 2 कड़े लेकर फरार। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। चामीरा रोड पर भी सुबह सवेरे ज्वेलरी की दुकान में लाखों रुपए की डकैती। डाकू दुकान का ताला तोड़कर 50 तोले सोना लेकर फरार। डाकू 70,000 और 10 तोले चांदी भी ले उड़े। सुंदर के इलाका में चेहरा छुपाए डाकू दुकान से 2 लाख नकदी लेकर रफू चक्कर। कातिल डोर से मुहाफिज भी महफूज न रहे। पतंग की डोर फिरने से डॉल्फिन फोर्स का एहलकार जख्मी। पुलिस ने 10 रोज तक मामला छुपाए रखा। राशिद मिनहास नामी एहलकार ड्यूटी से वापस घर जा रहा था कि इशरा के करीब धाती डोर गर्दन में फिर गई। एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ऑरेंज ट्रेन के लिए नई मुश्किल। पटरी पर आने से कबल ही ट्रेन पर 21 अरब रुपए का टैक्स आयद। मास ट्रांसिट अथॉरिटी को 12.9 अरब और LDA को 7.2 अरब रुपए सेल्स टैक्स अदा करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत। अगे बड़े पैसे इन्होंने कोल ने, होर तनखा वधा के इन्होंने की करना। किसी गरीब आदमी मजदूरों तनखा नौकरियां देन को बेचारा खुशहाल होवे। इन्होंने अज तक लड़ाइया झगड़े नहीं मुकते, इन्हें गरीब वास्ते की करना। लिहाजा इन्हों तनखा नहीं वधाई, ये को माड़े ने कि इन्होंने तनखा वधाई है। असं इन्हें गरीबों वास्ते किया, कभी इतने आए तो है नहीं, अपने हल्के कभी गए नहीं है। तनखा बिल्कुल नहीं वधनी, अगले कैंसल होनी चाहिए, क्योंकि खाते पीने ने गरीब आदमी का सोचन जिनी दिहाड़ी लानी है तो मिल गई तो ठीक है, उन्होंने सारा दिन नहर से बैठ के वेला रहता। ये तो महीने बाद बिल हो गया, माड़ा बंदा तो उंझ मरण जान लगन दिया। बिजली के बिल ज्यादा हो गए ने, उन्होंने तनखावान की करना जो सू कुछ नहीं लगना। ये तो अगे डाकू ने, इन्हों तो अगे टेड इन्होंने भाव सारा बजट ही दे दो खा जाएंगे। तनखावान किस चीज़ का कर की कर दे रहे हैं? कोई काम करें तो तनखा वधन इन्हों की, इन्होंने देनिया नहीं चाहिए पैसा। अरकान असेंबली की तनख्वाहों मराहत के इजाफे की तजावीज पर शहरी फट पड़े। मुल्क लूट कर खा गए, लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए। तनख्वाहें और मराहत ज्यादा करने की बजाय कम करने का मुतालबा कर दिया। अरकान असेंबली ने महंगाई की दुहाई देते हुए तनख्वाहें और मराहत बढ़ाने का बिल जमा करा दिया। बुनियादी तनख्वाहों अलाउंसेज और मराहत में होशरुबा इजाफे की तजावीज दे डाली। प्राइवेट बिल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात। मुलाकात चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर हुई। सूबाई वजीर अमारे आसिफ के इस्तीफे समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने काफ लीग के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। काफ लीग के वजीर हाफिज अमारे यासिर ने बुज़दार हुकूमत से इख्तलाफात पर पार्टी क़यादत को इस्तीफा भिजवाया था। सरकारी मुलाजमीन के यतीम बच्चों के लिए बड़ा इमदादी पैकेज मंजूर। वजीर आला पंजाब ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को मराहत में इजाफा कर दिया। गजटेड ऑफिसर्स के यतीम बच्चों की स्कॉलरशिप 20 से 50,000 रुपए सालाना कर दी गई। मुलाजमीन की बेवा की महाना ग्रांट 1950 से बढ़ाकर 5,000 रुपए मुकर्रर। मुलाजमीन के जनाजे और बच्चों के शादी फंड में भी इजाफा कर दिया गया। फजाई आलूदगी के बाद शहर में पानी का बहरान शदीद। लाहौर में पानी की सतह सालाना 2.5 फीट नीचे आने लगी। पंजाब असेंबली में हुकूमत का एतराफ, शहर में जेर जमीन पानी की सतह 135 फीट रिकॉर्ड की गई। दरियाए रावी के इर्द गिर्द साइफन और से मानवाल तक जेर जमीन पानी का लेवल और तजिया किया जा रहा है। हुकूमती रिपोर्ट ऐवान में जमा। जेर जमीन पानी को रेगुलेट करने के लिए वाटर एक्ट 2019 और खसूसी सेल कायम कर दिया गया।
शहर के बासी आलूदा पानी पीने लगे। शहर के 438 फिल्ट्रेशन प्लांट पर मीडिया और सैनिक की मायाद 9 जनवरी को खत्म। वासा की कमिश्नर ऑफिस को भिजवाई गई तफसीलात ने भांडा फोड़ दिया। तंसीब करने वाली कंपनी ने भी हाथ उठा लिए, मजीद मुरम्मत और बहाली का काम करने से इनकार कर दिया। मीडिया और सैनिक की दोबारा तंसीब के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। वासा इंतजामिया का मौकफ। दौलत की लालच ने रिश्तों की पहचान भुला दी। हंजरवाल में जायदाद के तनाजे पर भाई के हाथों भाई का कत्ल। इमरान शाह ने भाई सज्जाद शाह के सर पर सरिया मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। हाई कोर्ट का अहाता अखाड़े में तब्दील। पेशी पर आए मुकदमा फरीकैन आपस में दस्तों गिरेबान। लातों घूसों और थप्पड़ों से एक दूसरे पर हमले। अहाता मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। अदालत की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। डीसी सालेहा सईद की जिला कचहरी में खुली कचहरी। असिस्टेंट कमिश्नर्स लेस्को वासा LWMC दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। 150 साइलीन ने ओवर बिलिंग सफाई सुथराई और महकमा रेवेन्यू के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद का कहना था कि तमाम महकमे मसाइल के हल के लिए ऑन बोर्ड है। खुली कचहरी का ये सिलसिला हर जुम्मे को जारी रहेगा। बिल मुसलसल गैस की फराहमी में तातुल। सारफीन को सुई गैस की फराहमी के हुकूमती दावे झूठे निकले। बागबानपुरा के रहायशियों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। ऑल पाकिस्तान हमनिसाबी मुकाबलों में पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला नंबर। GC यूनिवर्सिटी लाहौर और फैसलाबाद मुश्तरका तौर पर दूसरे इनाम की हकदार ठहरी। मेहमान खुसूसी वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर सरफराज हमायूं ने इनामात तकसीम किए। मारूफ कॉलम नवीस दानिश्वर और सहाफी मन्नू भाई को मदाहों से बिछड़े एक साल बीत गया। मुनीर अहमद कुरैशी अलमारूफ मन्नू भाई ने न सिर्फ बतौर लिखारी बल्कि इंसान दोस्ती का भी हक अदा किया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मन्नू भाई की जलाई शम्मा आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में रोशन है। मधुर और सुरीली आवाज की मालिका मारूफ गुलुकारा महनाज की छठी बरसी। 4 दहाइयों तक मौसीकी के उफक पर जगमगाती रही। इनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। लगा दो शोर मचा दो शोर की दुनिया हिलजुल जाए। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। और PSL सीजन 4 का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 3 सीजन में नामवर गुलुकार अली जफर ने ऑफिशियल नगमे गाए थे, लेकिन इस दफा गुलुकार और अदाकार फवाद खान ने आवाज का जादू जगाया।